नमस्ते। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो आज एक सूपी समय की रेसिपी के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो पहले हमने तेल में थोड़ा सा गार्लिक दिया, उसको फ्राई किया, फिर हमने उसमें डाला प्याज, और फिर उस प्याज को हमने अच्छे से फ्राई किया। हमने उसको तब तक फ्राई किया कि जब तक उसका पिंक कलर वाइट की तरफ ट्रांसफर ना हो जाए, ऐसा थोड़ा वाइट वाइट हो जाए। उसके बाद हमने उसमें डाला गाजर। आपके पास कोई और वेजिटेबल है तो आप वो डाल सकते हैं, मेरे पास गाजर था तो मैंने गाजर ही डाल दिया। और फिर मैंने एक टमाटर भी डाल दिया टू गेट सम विटामिन सी। आप आपकी मर्ज़ी, आप जो वेजिटेबल डालें, पर कि आपको इन वेजिटेबल्स को उतना सर्व करना है कि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और खाते समय क्रिस्पी ना लगे। तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया था कि वो थोड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने उसमें डाला जिंजर पेस्ट और फिर स्मैश जिंजर। मैंने जिंजर पहले नहीं डाला क्योंकि जिंजर जो है वो जल्दी जल जाता है कंपेयर टू गार्लिक। फिर जब ये सारा का सारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उसमें मैंने 2 ग्लास के करीब मैंने पानी डाला है। आपको जितना सूपी चाहिए आप उतना सूपी बनाए। मैंने इसको ज़्यादा सूपी रखा क्योंकि मुझे सूप खाने का पसंद होता। फिर मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन से एक अच्छा टेस्ट और एक अच्छा स्मेल आता है। और उसी के साथ मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस और 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर डाल दिया था। फिर मैंने इसको थोड़ी देर बॉईल होने के लिए दिया। जब उसमें उबाल आ गया तो मैंने उसमें मैगी का जो मसाला होता है, मैंने उस मसाले को उधर डाल दिया। अब ये सारा का सारा जो भी मिश्रण, जो भी ये सब है, इसको मैंने थोड़ा सा सॉटे किया। और फिर मैं इसको एक उबाल या 2 उबाल आने तक मैं इसको बॉयल होने दूंगी। फिर जब उबाल आ गया तो मैंने उसमें 1 पैकेट मैगी डाला था। आप ज़्यादा डालना चाहे कोई बात नहीं, आप डाल सकते हैं। और फिर मैंने डाल दिया काली मिर्च थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए, और ठंडी का मौसम है, काली मिर्च अच्छी भी लगती है सूप में। तो मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया और मैंने मैगी को ऐसा जब सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसको खोल दिया और मैंने इसको पानी के अंदर, मतलब सूप के अंदर रख दिया, सो दैट ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मैगी जैसा दिखने लगे, मतलब सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको उबाल आने दिया थोड़ी देर, उबले जैसे जिससे कि जो मैगी है मैगी के अंदर टेस्ट सारा का सारा चला जाए। और फिर मैंने इसमें एंडिंग में मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दिए। आपको पता है मैं सब में धनिया डालती हूँ। और इसी के साथ रेसिपी ख़त्म। थैंक यू।